हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोके क्लासेस में। तो फ्रेंड, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है, जो आपके रेलवे की एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको पहले पता, आपको 28 तारीख को जो आपका फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग होने वाला था, वो भी कभी 1 मार्च से आपके स्टार्टिंग होंगे। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है डेट ऑफ पब्लिश RRB वेबसाइट, तो 28 तारीख को पब्लिश हुआ है। ठीक है, जो आपके फॉर्म है वो 1/3/2019 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट कितनी है, 31/3/2019। नेट बैंकिंग से 5 तारीख तक काट सकते हैं आप, SBI चालान 5 तारीख तक, एंड पोस्ट ऑफिस से भी चालान 5 तारीख है। उसके अलावा फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो आपका है 12/4/2013 तक है। जो आपका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड है उसका टेंटिविटी एग्ज़ाम कितना दे रखा है, जून और सितंबर के बीच के अंदर दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो का अवगण लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट आपके डाउट यहाँ पर सब क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए और फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड किस किस चीज़ की पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन 10+2 की। ठीक है, जो 10+2 की है उसकी है किस चीज़ की यहाँ पर जो निकली है, उसके देखते हैं यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष के लिए। ठीक है, जो आपकी एज काउंटिंग होगी वो 1/7/2019 से होगी। ठीक है, तो एज होगी यहाँ पर 18 से 30 वर्ष। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, फर्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी है 4,319। ठीक है जी, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 का टाइप का है। बेसिक पे की बात करें तो 19,900 है, और सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार सेकेंड लेवल की नौकरी है। उसके बाद में अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी 760 पोस्ट है, वही C2 मेडिकल इसका भी। उसके बाद जूनियर टाइम कीपर का है, उसकी 17 पोस्ट है, C2 टाइप का ही मेडिकल है। ट्रेनर क्लर्क की बात करें तो A3 टाइप का मेडिकल है, 592 पोस्ट है। और फिर जो पांचवी आपके वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, तो वो है 4,940। ठीक है, मतलब टोटल जो आपकी 12th बेस पर है वो 10,628 वैकेंसी हो गई। ठीक है, इसका जो है वो B2 टाइप का है, और इसका जो बेसिक पे है वो 21,700। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो आपकी जो 10+2 के ऊपर है। उसके बाद देखते हैं ग्रेजुएशन पे, तो ग्रेजुएशन पे कौन कौन सी है वो देखते हैं अभी। तो ग्रेजुएशन बात करते हैं, सबसे पहले ट्रैफिक असिस्टेंट की है, कितनी पोस्ट है, 88 पोस्ट है। A2 टाइप मेडिकल है, बेसिक से पे है वो 25,500 है। उसके बाद गुड्स गार्ड की है, 5,748 हैं। ठीक है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, ठीक है, इसकी है 5,634 पोस्ट है, B2 टाइप है इसके अंदर। फिर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी 2,873 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 3,164 पोस्ट है। सीनियर टाइम कीपर, इसकी है 200 नहीं सॉरी, इसकी है 14 पोस्ट है। उसके बाद में कॉमर्शियल अप्रेंटिस्ट है, उसकी 269 पोस्ट है, और स्टेशन मास्टर की लास्ट में 6,885 पोस्ट आपके यहाँ पर है। ठीक है, टोटल की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर 24,649 पोस्ट यहाँ पर क्या आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर है। ठीक है, इसकी जो एज की बात करें तो 18 से 30, जो आपकी डेट काउंटिंग होगी वो 1/7/2019 से। इसके अलावा फ्रेंड एक बात यहाँ पर हो जाना, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, इक्विलिटेंट दे रखा है इसके अंदर, अगर फाइनल ईयर में है तो भी आप फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड SC ST का, आपको पता ही वही कंसेशन है। उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, लास्ट डेट आपको दिया गया 31/3/2019 है। उसके अलावा बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट, ये सब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर है नहीं। उसके बाद देखते हैं अपन, यहाँ पर स्टेज ऑफ एग्जाम दे रखा है, तो दो आपकी दो स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोइंग बाय द स्किल टेस्ट। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो टाइपिस्ट वाले हैं इसके अंदर, कंप्यूटर बेस्ड एपिटेट टेस्ट होगा वो होगा स्टेशन मास्टर ऑफ और ट्रैफिक असिस्टेंट, टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट
रिनिन का, या फिर स्किल टेस्ट होगा बाद में, उसके बाद में ट्रेनी क्लर्क कमर्शियल कम टिकट कलेक्ट क्लर्क गुड्स गार्ड सीनियर कमर्शियल, इनका क्या है जो सेकंड सीबीटी होने के बाद क्या होगा इनका, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इनका, क्या है जो स्किल टेस्ट है वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जो कोलेटर है वो सिटी एंड डेट इन ई कॉलेटर एंड ट्रेवल अथॉरिटी फ्रॉम द लिंक प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, जैसे आपको डी ग्रुप और लोको पायलट के अंदर मिला है। उसके बाद वही आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा है 1/3 है, ओके। उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इधर। उसके बाद में अपना प्रीफर ऑफ पोस्ट एंड रेलवेज, ठीक है, द ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट विच इज द एलिजिबल ऑफ RRB सेल बी टेक ड्यूरिंग सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर बात करते हैं फ्रेंड जो आपका मेडिकल है, ठीक है, तो A2 मेडिकल मैंने आपको ऊपर बताया, तो A2 क्या होता है, A2 के अंदर आपकी जो विजन्स है वो 6969 विदाउट ग्लास होनी चाहिए, नो फॉगिंग टेस्ट, ओके। नियर विजन आपका 0.6 टाइप होना चाहिए विदाउट ग्लास, नाइट विजन एंड मायोपिया विजन्स। उसके बाद A3 के अंदर होता है 6969 की विदाउट ग्लास, पावर ऑफ लेंस नोट टू एक्सटेंड टू डिट, अगर 2 डायोप्टर से ज़्यादा आपका पावर लेंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा B2 के अंदर फिजिकली फिट एंड ऑल रिस्पेक्टेड, उसके अंदर भी 6.9 और 6.12 तक आपका चल जाएगा। C2 के अंदर आपका 6.12 नील विद विदाउट ग्लास नियर विजन S06 होना चाहिए, फिजिकली फिट सभी के अंदर आपको यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में सिटीजन अगर ऑफ इंडिया हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, सिटीजन ऑफ नेपाल है तो भी एलिजिबल है, भूटान है तो भी एलिजिबल है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन दी गई है कि एज काउंटिंग के मैंने आपको बता दिया, 1/7/2019 से आपकी एज काउंट होगी, ओके। तो यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएशन है द डेट ऑफ बर्थ इज कैंडिडेट शुड बी बिटवीन ऑफ डेट गिव बिलो बोथ डेट इंक्लूड, ठीक है, 18 से 30 है, और उसकी कितनी है 1833 की ग्रेजुएशन वाले की, ठीक है। यहाँ पर ये है सब दे रखा है आपको कितनी छूट है, ये नॉर्मल है, ठीक है, सभी के अंदर यही रहता है। यहाँ पर जैसे वुमेन कैंडिडेट हु आर वी डू एंड वर्ड, तो उनकी 35 हो गई 40 हो गई, उसके बाद ग्रेजुएशन की 1833 है, ठीक है, ऊपर भी बता दिया मैंने। नॉन क्रीमी OBC को 3 साल की मिलती है, SC ST को 5 को, सब आपको सभी को पता है, ओके फ्रेंड। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट शुड हैव ए रिक्वायर्ड टू मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड फॉर द पोस्ट ए एंड शुड बी नॉट अप्लाई, ठीक है। एग्जामिनेशन आपको फीस आपको 500 रुपये है, ठीक है, आपको वही LPA और जो डी ग्रुप वाला सिस्टम चलेगा, 500 400 रुपये आपके 390 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है, और PWD फीमेल है इनके 250 रुपये लगेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आपको बताया, SBI चालान कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेट मैंने आपको ऊपर पहले बता दिया था, वेरिफिकेशन रिजुलेशन दे रखे यहाँ पर जो अपने लिए कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखें फ्रेंड और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर है नहीं। उसके बाद लास्ट यहाँ पर अपना वैकेंसी देखते हैं, ठीक है, किस बोर्ड से कितनी क्या वैकेंसी, और फ्रेंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो आप, हाँ एग्ज़ाम पहले एग्ज़ाम देख लेते हैं, फर्स्ट CBT आगा आपका वो 90 मिनट का होगा, जिसके अंदर 40 तो क्या है जनरल अवेयरनेस के होंगे, 30 मैथमेटिक्स के और 30 रीजनिंग के, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव आर्ग मैंने आपको बता दिया 1/3 यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में मैथमेटिक्स के जो आपका सिलेबस दिया गया है मैं आपको एक एक बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आप आराम से उसके अंदर पढ़ लेना। इसके अलावा ये रीजन में 40% ये वही जो लोको पायलट और डी ग्रुप का था सेम वही प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में CBT सेकेंड का आपको दे रखा है, इसके अंदर 90 वही 90 मिनट आपको टाइम मिलेंगे, 50 आपके GK के, 35 मैथमेटिक्स के और 35 किसके होंगे
रीजनिंग के होंगे 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने वाले हैं। वो है आपको यहाँ पर सिलेबस दिया है फ्रेंड, देख लेना आप। उसके बाद में टाइपिंग जो स्किल दे रखी है आपको, आपको इंग्लिश की 30 की होनी चाहिए और हिंदी की 25 की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यहाँ पर, ये सब दिया हुआ है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का, उसका सूत्र दे रखा है आपको कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑटो अप्लाई दे रखा है, ओके। उसके बाद में स्टेप यहाँ पर सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो PDF ही डाउनलोड कर ले सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है फोटोग्राफ का दे रखा है फ्रेंड, कलर फॉर पासपोर्ट फोटोग्राफ विद वाइट एंड लाइट कलर, बैकग्राउंड शुड बी साइज दे रखी है इसकी JPG में, अगर बात करें तो 100 DPL है एंड वैसे साइज़ की बात करें तो 20 से 50 के भी है, ओके। उसके बाद में सिग्नेचर का दे रखा है सब फॉर्मेट यहाँ पर, स्कैन एंड रिसाइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स हैं। SST सर्टिफिकेट अपलोड करना आपको एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अगर कुछ करेक्शन है तो इसके अंदर, ठीक है। जो RP वगैरह इनके अंदर सब में था पहले, अब यहाँ पर जैसे भी RRP के आपको लिंक दिए हुए हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन अभी जो ये सब सर्टिफिकेट हैं बाद के काम है, ये अपने को तो अभी वैकेंसी देखनी है किस जोन से कितनी वैकेंसी है, ठीक है। ये जितने सर्टिफिकेट आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब ये आपको बनवानी है, ठीक है। तो पोस्ट परमिटेड यहाँ पर आपको साफ साफ लिख रखा है किस में डिग्री चाह रही है, किस में 12th चाह रही है, ठीक है। इतना किसका कितना बेसिक पे है, ओके। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं सबसे पहले अहमदाबाद की, ठीक है। तो अहमदाबाद में आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक एक सभी वैकेंसी बतानी है। अब मैं आपको लास्ट बताते हैं, जनरल की यहाँ पर 486 है, SC की 132 है, ST की 63 है, OBC की 246 है, EWS 47 है, टोटल की बात करें तो 1024 है, ठीक है। 1024 है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेशन मास्टर की 290 हैं, कमर्शियल कम टिकट कलर की 282 हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अजमेर के अंदर टोटल की बात करें तो 1773 वैकेंसी हैं, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पुश करके, आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक को बताऊंगा तो आपको पता है बहुत से बोर्ड हैं, टाइम काफ़ी, वीडियो बहुत लंबा वैसे हो रहा है। यहाँ पर बात करें फ्रेंड सबसे ज़्यादा आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद को आप काफ़ी वैकेंसी मिली है, 4099 टोटल हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेना आप ये। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है बेंगलोर, बेंगलोर को मिली है 2470 वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद भोपाल आता है, भोपाल को मिली है 997 वैकेंसियाँ, ओके। उसके बाद भुवनेश्वर को मिली है 498 वैकेंसियाँ, ओके। उसके बाद फ्रेंड बात करें अपन बिलासपुर, बिलासपुर को मिली है 1207 वैकेंसी, चंडीगढ़, चंडीगढ़ को मिली है 2483 वैकेंसी, ओके। तो आप पुश करके आप देख सकते हैं कि आप किस किस कैटेगरी कितनी कितनी है, ठीक है। चेन्नई को मिली है फ्रेंड 2694 वैकेंसियाँ। उसके बाद में गोरखपुर को मिली है 1298 वैकेंसी। उसके बाद नेक्स्ट जोन आपको गुवाहाटी, गुवाहाटी का मिल रहा है 851 वैकेंसी, और J&K को मिली यहाँ पर 898 वैकेंसियाँ। कोलकाता जोन की बात करें तो यहाँ पर मिली है 2949 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। लाड की बात करें तो 1043, मुंबई की बात करें तो फ्रेंड 3665 वैकेंसियाँ हैं। आप पोस्ट करके देख सकते हैं किस चीज़ किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो आप फॉर्म अप्लाई करें तो सबसे पहले सभी बोर्डों में से चेक कर लें किस कहाँ पर कितनी, उस हिसाब से अपने कंसल्ट करके अच्छी तरह बढ़िया बोर्ड से फॉर्म भरें, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरबाद की बात करें तो 329 हैं, पटना की बात करें तो फ्रेंड 1039 है, रांची में है 1386, सिकंदराबाद की बात करें तो है 3234 वैकेंसी, सिलीगुड़ी की बात करें तो 443, त्रिवेंद्रमपुरम की बात करें तो 897 है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं टोटल आपको क्लासिफाइड करके बता देता हूँ जो ग्रेड टोटल है, आल 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 जो RRB उसकी। तो
तो जर्नल की, तो वहाँ पर फ्रेंड 15,131 तो आपकी जर्नल की पोस्ट है, ठीक है। 5,127 आपकी एससी की हैं, 2,787 आपकी एसटी की हैं, 8,712 आपकी ओबीसी की हैं, 3,510 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो फ्रेंड वो है 35,277, ठीक है। एक्स सर्विस मैन की है 3,365, ओके। टोटल वैकेंसी कितनी है, 35,277 वैकेंसी आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो आज के इंपॉर्टेंट जो सेशन में मैंने आपको लगभग आई होप आपके हर डाउट यहाँ पर क्लियर कर देंगे। इसके अलावा जो भी डाउट हो आपको तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, हम आपकी सारी हेल्प करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में देख से देख शेयर कर देना ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद जय भारत।